मेरा नाम पुष्पेन सिंह है, मैं सनमुखा एग्रीटेक लिमिटेड लखनऊ की तरफ से आज यहाँ तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी में हम ये कुतुबापुर गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे किसान जो है मिथिला शरण जी जो है, इन्होंने हमारी काम्बी बकेट अपने आलू के खेत में जो है यूज किए थे। आज उसी परिणाम के बारे में आज भैया से जानेंगे, जिसमें इन्होंने बाल्टी डाली है उस खेत का आलू निकाला गया है, जिसमें इन्होंने बाल्टी काम्बी बकेट नहीं प्रयोग किया था उस खेत के आलू में क्या फर्क आ रहा है, उसको आज भैया यहीं पे देखेंगे और जानेंगे। थोड़ा भैया अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम नारायण वर्मा है। नारायण वर्मा, और पिताजी का नाम? श्री मिथिला शरण वर्मा है। गाँव? कुतुबापुर तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी। जी जी जी। मैं तो एक एकड़ में एक काम्बी बकेट का प्रयोग किया हूँ। हाँ। और उसमें एएफ पैदावार है जिसमें कि 20 आलू है। जिसमें काम्बी बकेट आप डाले थे उसमें कितने आलू है? 20 आलू है। और अभी दूसरे खेत में जिसमें नई बकेट पड़ी थी उसका निकाला गया, उसमें कितने? 5 आलू है। 5 आलू है। फर्क दिखाई दे रहा है, साफ फर्क दिखाई दे रहा है, जिसमें इन्होंने काम्बी बकेट, ये वो पोस्टर उठा लीजिए काम्बी बकेट का, जिसमें काम्बी बकेट आप डाले हैं, ये काम्बी बकेट है, किसानों को दिखाइए जरा इधर सामने। ये अपनी जो है काम्बी बकेट है, इसका 6 प्रोडक्ट है जिसमें इन्होंने जो है आलू में डाले थे, ये प्लाट के आलू में नहीं पड़े थे। चाचा थोड़ा ये आप थोड़ा अपना चाचा नाम बता दीजिए। अभी चाचा आप सामने हम लोगों ने उखाड़ देखे हैं, तो उसमें आपको फर्क दिखाई दे रहा नहीं दिखाई? एक बार फोन नंबर बता दें अपना सर। 9721। जी जी। 7183। जिस खेत में ये बाल्टी पड़ी थी उसके आलू में, जिधर नहीं पड़ी थी उसमें पैदावार में कुछ फर्क दिखाई दे रहा नहीं दिखाई? फरान भी ज्यादा है। ज्यादा है सही। आलू का कई आलू आए हैं। कई आलू आए। और जिधर नहीं पड़ी है उधर आलू की संख्या कम है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसानों से हमने